बड़ी खबर, पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है। बाजवा राहिल शरीफ की जगह लेंगे। राहिल शरीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन बाजवा पाकिस्तानी सेना की कमान संभालेंगे। बाजवा अभी आर्मी के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट यूनिट के इंस्पेक्टर जनरल हैं। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना की सबसे अहम यूनिट कॉप 10 के कमांडेंट हैं। और सबसे अहम बात ये कि बाजवा पाकिस्तानी सेना में कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर आर्मी चीफ का पद काफी प्रभावशाली माना जाता है और ऐसे में नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है, तो बाजवा के नाम पर मुहर अब लग चुकी है गुलाम। जी बिल्कुल, सुरभि, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 5 नाम भेजे गए थे और कमर जावेद बाजवा जो है इनका नंबर 5, इनका 5वें नंबर पर नाम था और जो कि जिनको नवाज शरीफ ने अब आर्मी चीफ नामजद कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एविएशन इस वक्त तैनात थे जीएसक्यू में। इससे खास बात एक और भी है कि जब 2014 में इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरने दिए थे तो उस समय कमर जावेद बाजवा जो है वो रावलपिंडी के कोर कमांडर थे और इनकी जो एक खासियत ये भी है कि वो सियासत से फौज को अलग रखना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि फौज का काम सियासत नहीं है। अब जिन लोगों को मुंतखब जो नाम 4 सुरभि दिए गए थे उनमें जो जनरल जुबैर महमूद हयात थे उनका नाम भी आया है, उनको चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुंतखब कर दिया गया है। जबकि जो बाकी इनमें सीनियर मोस्ट जनरल थे जिनमें जनरल अशफाक नदीम थे, जनरल जावेद इकबाल गमदे थे, वो अब रिटायरमेंट ले लेंगे क्योंकि आर्मी का एक प्रिंसिपल है कि जो सीनियर जनरल होते हैं अगर उनका जूनियर को आर्मी चीफ बनाया जाए तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं। तो कमर जावेद बाजवा जो है वो 28 तारीख को राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं और 29 को वो अपनी कमान जो है वो कमर जावेद बाजवा को सौंपेंगे। इस सिलसिला में जीएचक्यू में एक इवेंट होगा जिसमें वो जो कमान है जो अपनी स्टिक है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले करेंगे। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए गुलाम आपका।